चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर ऑन होते ही आपका नाम ले, आपका वेलकम करे। लेकर आया हूं मैं एक कंप्यूटर ट्रिक जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। कंप्यूटर विल अनाउंस वेलकम मैसेज फॉर यू। तो चलिए ये सब हम कैसे कर पाएंगे, बढ़ते हैं वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल सैंकी टेकी। सबसे पहले हम नोटपैड से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। इस टेक्स्ट फाइल का नाम हम दे देते हैं CALL। यहाँ पे मैंने CALL नाम दे रहा हूँ। इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट आपको बता रहा हूँ, आपको सेम स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखनी है। स्क्रिप्ट फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप डायरेक्ट ले सकते हैं। स्क्रिप्ट है, देखिए आप, DIM SPACE SANKY (SPEECH SANKY) = यहाँ पे हमारा वेलकम मैसेज होगा, वेलकम टू योर लैपटॉप माई फ्रेंड सैंकी टेकी। यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करेंगे। वेलकम मैसेज में आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए। नाउ सेट स्पेस स्पीच इक्वल्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे sapi.sp voice। एंटर मारेंगे। speech.rat, ये क्या है ना, जो नाम वो बुलाएगा उसकी स्पीड क्या होगी। इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर 0.2 दिया है, आप अपनी मर्जी से 1, 2, 3 कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्पीच ऑफ वॉल्यूम, हम लिखेंगे कि स्पीच का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर 100% कर देता हूँ, आप अपने अनुसार कर लीजिए। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्पीच डॉट स्पीक स्पेस सैंकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी स्क्रिप्ट है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए फाइल पे और क्लिक कीजिए सेव एज पर। जैसे ही सेव एज पे ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल फाइल टाइप पे, और यहाँ पे आप लिखिए टेक्स्ट की जगह लिखिए VBS, और हम कर देंगे इस फाइल को सेव। आप यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पर एक फाइल बन गई है call.vbs। इस फाइल पे आप जाके इस फाइल को कॉपी कर लीजिए और मैं जो लोकेशन बता रहा हूँ वहाँ पर जाके इस फाइल को पेस्ट कर दीजिए। साथ में हिडन फोल्डर्स फाइल्स को अनहाइड कर लीजिए। हिडन फाइल को कैसे अनहाइड कर सकते हैं, इस पर मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले आप ओपन कीजिए माई कंप्यूटर, सी ड्राइव में जाइए, यहाँ पे आप जाइए यूजर्स में, उसके बाद आप यहाँ पे मेरा यूजर सैंक है, इसमें मैं क्लिक करूँगा। आपके पीसी में जो यूजर्स है आप उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा ऐप डाटा ऑप्शन, ऐप डाटा पे क्लिक कीजिए, देन रोमिंग पे क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट है विंडोज फोल्डर, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट मेन्यू, आगे आप क्लिक कीजिए प्रोग्राम्स फोल्डर पे। नेक्स्ट हमारा फोल्डर है स्टार्टअप, इसको ओपन कीजिए और इस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जो फाइल हमने call.vbs जो कॉपी की थी वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। लास्ट जो फोल्डर स्टार्टअप फोल्डर था उसमें डायरेक्ट जाने के लिए मैं आपको कमांड बता देता हूँ। आप प्रेस कीजिए विंडो प्लस आर, यहाँ पे टाइप कीजिए SHELL:startup और एंटर कीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो डायरेक्ट हम उसी फोल्डर में पहुँच गए हैं जो फोल्डर हमने स्टेप बाय स्टेप ओपन किया था। इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दीजिए। मैं भी अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं। वेलकम टू योर लैपटॉप माय फ्रेंड सैंकी टेकी। देखिए कैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट होते ही हमारा नाम अनाउंस कर रहा है, वेलकम मैसेज अनाउंस कर रहा है। दोस्तों इस तरह आप कुछ भी मैसेज डाल के उसको अनाउंस करवा सकते हैं। एवरी रीस्टार्ट पर आपका कंप्यूटर ये मैसेज अनाउंस करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।